अच्छा दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है जी 244 गाफ बे मूंगी बंगला, और बात आज करनी है कि इंसान का उस जमीन के साथ रिश्ता कितना मजबूत होता है जिस जगह पे इंसान पैदा होता है या जिस जगह पे उसके फोर फादर्स रहते हैं। यानी कि इंसान दुनिया में कहीं भी चला जाए, यूरोप चला जाए, अमेरिका चला जाए, अफ्रीका चला जाए, लेकिन घूम के अपने असल की तरफ आता है। तो सर, आपने जमीन खरीदी, आप यहाँ पे आए आयरलैंड गालबन आप? जी जी, हम आयरलैंड ही होते हैं। और आयरलैंड कितनी देर पहले मूव किया? बेसिकली चाचू गए थे बैक इन द 90s, एंड हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया उधर 1999 में। जी जी, और माशाल्लाह अभी तक चल रहा है और ये कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है, ग्रो कर। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इसके पीछे अगर मैं पूछूं चंद लाइनों में कि फलसफा क्या है कि आप यहाँ पे आए इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जमीन खरीदना, नॉट इन द पर्पस ऑफ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू? नो, इट्स नॉट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स जस्ट बेसिकली इट्स अ हॉबी make a kind of attractive to our family, our coming generation, to bring them over. उनको इधर लाने के लिए, जब वो इधर आए तो देखें कि इधर भी फन कर सकते हैं, अपना कल्चर देखें कि हम कैसे रहते हैं, बिकॉज बच्चों को लाना वहाँ से बहुत मुश्किल है, और जब वो आए इधर तो उनके लिए कुछ फन हो और ये फल कोई ऐसी बाइंडिंग आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता इस धरती से जुड़ा रहे, ऐसे ही बेसिकली ये चीज, ये बात है। बिकॉज जब आप उधर होते हो तो आपको अपना मुल्क याद आता रहता है हमेशा, तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट, बेसिकली हम इसको इन्वेस्टमेंट नहीं देख रहे हैं, इसको बस बेस एक शौक है। शौक है, हाँ जी, और शौक के पीछे एक बड़ा कंस्ट्रक्टिव जज्बा है जी जी, कि हमारा अपनी जमीन के साथ ताल्लुक मजबूत रहे, हाँ जी, जबरदस्त, हाँ जी। और आपके बड़े चाचू हैं? जी जी, या एक ही चाचू है, फादर फिगर है, मैं इनके साथ ही बड़ा हूँ। अच्छा सलीम भाई, आप कह रहे थे कि मेरा बड़ा दिल करता है कि यहाँ जमीन में आऊं, डेरा बनाऊं, दोस्त आए, और बिल्कुल मैं अपनी नेचर के साथ अब जुड़ना चाहता हूँ। हालांकि आप एक अल्ट्रा मॉडर्न कंट्री है जिसके आप बाशिंदे हैं, वहाँ बिजनेस करते हैं, वहाँ ही आपका लाइफस्टाइल है। और अभी आपने एक और बड़ी खूबसूरत बात की कि मैं जब से वहाँ से आया हूँ तो बहुत सारे हमारे वर्कर ये कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारा दिल नहीं लगता, तो तबीयत में क्या ऐसी चीज है कि वहाँ भी दिल लगा लेते हैं? बस अपना अखलाक है जी, क्या बात है, अपना अखलाक। मेरा तो पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ अखलाक। अच्छा, मैं तो चाहता हूँ कि अपनी धरती पे आए, अपनी कंट्री में आए, अपनी कंट्री में इन्वेस्ट करें, बच्चों को इधर लेके आए, अपना कल्चर दिखाए माँ बाप का, दादी दादे का, हम क्या थे, वो दौर वापस आ रहा है जी जी, क्योंकि हमारे बच्चों ने तो देखा नहीं, हमने देखा है, हमारा जज्बा है कि अपनी कंट्री में रहे, सारा कुछ अपनी कंट्री में। और इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, लोग तो जाहिर है कि इन्वेस्टमेंट एक तबका है जो यहाँ से उठा के बाहर लेके जा रहे हैं। नहीं जी, हम लेकिन आप बाहर से लेके, हाँ जी, अपनी कंट्री में लेके, हमारा जीना मरना अपनी कंट्री के साथ, कंट्री। क्या बात है जी। और एक छोटी सी बात इसी नुक्ता नजर से, तारकीन वतन के हवाले से पिछले दिनों जो इंसिडेंट हुआ है इसके हवाले से मैं आपकी राय लेना चाहूंगा कि ये जो तारकीन वतन है पाकिस्तान के, ये वहां से डॉलर भेजते हैं, ये पाकिस्तान का एसेट है, हाँ जी। तो आपका क्या ख्याल है कि गवर्नमेंट को कुछ ऐसा प्लान नहीं करना चाहिए कि बजाय ये लोग एजेंट्स के हत्थे चढ़े और अपनी जानों से खेलें और अपनी जान से हाथ धोएं, तो क्या गवर्नमेंट को अभी इस हवाले से नहीं सोचना चाहिए? बिल्कुल सोचना चाहिए, ये लेना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट अगर फैसिलिटी दे कि ऐसा काम गैर कानूनी रोके, हाँ, तो लीगल तरीके से जाए, गवर्नमेंट फैसिलिटी दे, हाँ जी। तो मेरा ख्याल नहीं है कि कोई भी लीगल तरीके से जाएगा, लीगल तरीके से सारे जाएंगे। अच्छा, जो लोग जाना चाहते हैं और एजेंट के हत्थे चढ़ते हैं, नहीं जाना चाहिए, आप उनके लिए कोई दो तीन लफ्जों में ऐसा मैसेज दीजिए कि लोग थोड़ा सा जागे इस बार। नहीं, मैं यही चाहता हूँ जी, ना जाए, अपनी जानों से ना खेलने को, लीगल है तो जाए। अच्छा, लीगल ना जाए, एक तो हमारी कंट्री का नाम खराब होता है। अच्छा, एक जब भी मरते हैं पाकिस्तान का नाम आता है, बेशक वो किसी और कंट्री के भी ज्यादा हो जी जी, लेकिन नाम पाकिस्तान का। एक किदा शौक सी के सत्तू मुके है ते सत्तू पी लिए आदम साहब दा, मेरा आदम साहब अपने सत्तू नहीं कटन दे, कहंदे पूरे होने चाहिए। सलीम भाई, इतने आके डिटेल दसो जरा।
मुरब्बा क्यों कहते हैं? मुरब्बे के पिछे पूरी एक फिल्म है, वो अंग्रेजा ने एक मर्ज वजूद गल लैके आंदी। अच्छा, कि मुरब्बा किन्ने एरिया नु किया जावे? ठीक है, उन्होंने कहा कि जिथे तक ताडी निगाह जा रही है ना, हाँ जी, जिथे तक निगाह जा सकती है, अच्छा, उथे तक एक मुरब्बा होंदा। ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਇੰਨੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨ ਹੀ ਲੈਣਾ ਉੱਤੇ। ਬਸ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਨਾ ਗਾਈਡ ਲਏ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਾ ਗਾਈਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛਣਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਧਰ ਆਓ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਵੇਚਿਆ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਆਓ वजह तो सानू आना पया कि भी बंदे चले गए ने असीं भी चले जाईए। नहीं आ जाओ, चलो एक मोतीचूर तरवीर साहब लेने, तरवीर साहब आओ मोतीचूर स्पेशल। बहुत शुक्रिया बेटा जी। सलीम भाई कितों तैयार करवाया? देसी घ्यो यही लड्डू ने अज कहते मोतीचूर। नफीस साहब इधर आओ ना जरा, अंबचूर तो सुने संघचूर तो बाद मोतीचूर खा के संघ। हाई साहब मंजी तुम बहुत ही नहीं अच्छा मलिक साहब कहते वो मंजी है जिसके बारे गाना नहीं बनया, कंड छिली गई सोने लम्मा पागल घसीटा लत्था फड़क झूठे। अच्छा वैसे कहते पित निकली होता रगड़ा दे। नहीं नहीं मलिक साहब है वैसे वो मंजी है जिसे व्डिया की झलूंगी भी बनी जा सकती है, 9-12 फुट लंबी बिलकुल। क्या बात है जी, बाग दे विच मंजी नहीं ठोक सकते जी। आदिब साहब तुसी इस मंजी दे बारे कोई मंजी टॉपिक है साडा, मंजी दे बारे च मैं ये गल कहांगा कि ये वाला कल्चर वापस आने वाला वा। अच्छा, अनकरीब आने वाला वा। अच्छा, आज जिन्ना लोगों ने बेड एंजॉय नहीं किते वो करन दे आ, इन्होंने कर ले वो थक गए। अच्छा, वो कहंदे कि ये चीज दोबारा वापस आवे। हां, क्योंकि इहदे बड़े फायदे आ। अच्छा, इन्ना ताडी कह लो कि ਅੱਧੀ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਇਹਨੇ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਦੇਣ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਪੱਠੇ ਦੀਏ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਫੀਸ ਭਾਈ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਹੈ ਯਾਰ। ਨਫੀਸ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਬਦਲਣਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦਾ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਛੋਟੀ ਮੰਜੀ ਹੈ ਇਹ ਖਾਲੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਡਾਲ ਸਕਦਾ, ਹਾਏ ਹਾਏ, ਵੱਡੀ ਮੰਜੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਲ ਦਿੱਤੇ ਮੰਜੀ
अल्लाह अपनी रहमत के साथ, अल्लाह अपने प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से, अल्लाह अपने प्यारे वलियों की निस्बत, अल्लाह सबकी नेक ख्वाहिशात को पूरा करे, आमीन। अल्लाह सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे, आमीन। अल्लाह दोनों में सुलूक के इत्तेफाक से रहने की तौफीक अता करे, आमीन। अल्लाह हमारे भाई सलीम में